मुश्किलों का सामना करना इंसान का सबसे बड़ा स्वभाव है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ संघर्ष जरूर करता रहते हैं। चाहे बड़ा हो या छोटा, संघर्ष हर किसी के जीवन में होते हैं और एक हद तक अपनी क्षमताओं के अनुसार हर कोई मुश्किलों का सामना करते हैं। कुछ मुश्किलें ऐसी हैं जहां हिम्मत से काम लेकर उस मुश्किल का सामना जरूर किया जा सकता है, पर मन का डर साहस को घेर लेते हैं। ज्यादातर अगर खतरे का पूर्वानुमान हो जाए तो इंसान बेहतर संघर्ष करते हैं, पर कुछ खतरे ऐसे हैं जो कभी कभी इंसान को अंदर से कमजोर करते हैं और संघर्ष करने से पहले ही सफर खत्म हो जाते हैं। पर कभी कभी जब उसी खतरे को बिना जाने इंसान संघर्ष के मैदान में उतरते हैं तो खतरे का आभास तक नहीं होता और मंजिल भी मिल जाती है। यहाँ पर खतरे का अर्थ भूस्खलन या किसी प्राकृतिक खतरे से नहीं। तो गाइस, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक के तीसरे अध्याय में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। आज की तारीख थी 9 जुलाई 2023 और घर से निकले हुए आज अपना चौथा दिन था। कल शाम को अंधेरा होते ही हम लोग द्वाली पहुंच गए थे और कल की रात कैंप लगाकर यहीं स्टे किया। आज हमको यहां से फुरकिया तक जाना था और फुरकिया यहां से लगभग 6 किलोमीटर दूर था। फुरकिया तक का ट्रैक ज्यादा कठिन तो नहीं था, पर आज के दिन सच कहूं तो शारीरिक कष्टों से कहीं ज्यादा दिमागी तौर पे चैलेंजेस आने वाले थे। कुछ टाइम से ट्रैकिंग करते करते शारीरिक कष्टों की तो आदत सी हो गई थी, पर मैं मेंटली कितना प्रिपेयर था वो सबसे जरूरी था। अभी हम लोग हैं द्वाली में और भाई कल रात भर बारिश हो रखी है और अभी हमको यहाँ से आगे निकलना है फुरकिया के लिए और देखते फुरकिया से आगे पिंडारी जाए या फुरकिया रुके, लेकिन जाना है भाई अभी आगे। और अभी आपको मौसम दिखाऊंगा मैं, कैसा मौसम हो रखा है भाई। और अगर ऐसे ही मौसम में हमको आज भी चलना पड़ा तो हालत ख़राब है यार। अगर बारिश नहीं होती तो ठीक है, क्योंकि दिक्कत ही हो रही ना यार, रेन कवर लगा के चल रहे हैं, अंदर ही अंदर इतना पसीना आ रहा है कि मतलब हम बाहर से भले ही बारिश से नहीं भीग रहे लेकिन पसीने से भीग जा रहे हैं यार, सारे कपड़े गीले हो जा रहे हैं भाई। अभी जस्ट मैं उठ रखा हूँ और अभी चाय से शुरुआत कर रहे हैं, चाय बना रहे हैं, उसके बाद चाय पी के बिस्किट खा के फिर यहाँ से आगे निकलेंगे यार। एक बार मैं आपको आसपास का मौसम दिखाता हूँ यार। तो कल हम लोग वहाँ पे रुके थे, वहीं पे आग जलाई थी बड़ी मुश्किल से, और हम आए कहाँ से अगर वो आपको बताऊँ, ये देखिए भाई सामने जो आपको नदी दिखाई पड़ रही है ये है कफनी रिवर जो निकलती है कफनी ग्लेशियर से। कफनी ग्लेशियर है इस साइड को कहीं, और हम लोग आए कहीं उधर से ऐसे ऐसे जो ये दो झरने दिखाई पड़ रहे ऐसे आए इन झरनों को क्रॉस करते हुए, और ये बीच का रूट बड़ा ही खतरनाक था। आपने देखा होगा कल की वीडियो में, एक घर यहाँ पे बना हुआ है, एक घर ऊपर पे बना हुआ है। हम रुके थे इस वाले में आग जला के, और कुछ सारे घर नीचे पे बने हुए हैं द्वाली में। देखिए ये जगह है द्वाली और यहाँ का एल्टीट्यूड है 2500 मीटर। यार भाई कल रात इतनी ठंड हो रही थी 2500 मीटर में, तो मैं सोच रहा हूँ आगे कैसा होगा भाई, क्योंकि हमको इधर जाने पिंडारी ग्लेशियर के लिए, और यहाँ भाई सामने देखिए एकदम बर्फ़ है, नज़दीक चल के तो और भी दिखाई देगी, और यहाँ एल्टीट्यूड 3500-3600 मीटर होने वाला है यार, तो यहाँ की ठंड बहुत तगड़ी होगी भाई। सामने देखिए एक ऊंचा सा पहाड़, और ये है कफनी नदी जो आती है इधर से कफनी ग्लेशियर से ऐसे करके, और यहाँ आके मिल जाती है पिंडर नदी में, और पिंडर नदी इधर से आती है पिंडारी ग्लेशियर से ऐसे, यहाँ से आके दोनों नदी द्वाली में मिलती हैं और एक हो जाती है यहाँ से और पिंडर बन जाती है। कफनी का रूट समझ में ही नहीं आ रहा यार, कफनी मेरे को इतना पता है कि यहाँ से इधर को कफनी के लिए जाते हैं और इधर को पिंडारी के लिए जाते हैं। पिंडारी का रूट तो चौड़ा सा था, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कफनी का रूट समझ में नहीं आ रहा यार। एक छोटी सी पुल वहाँ पे दिखाई दे रही है देखिए नदी के बीच में, अब यहाँ से वो पार करके उस साइड तो हम जाएंगे, लेकिन इधर रूट कहाँ है भाई, आप देखिए यहाँ कहीं भी रास्ते का नामो निशान नहीं दिख रहा यार। तो आजकल के टाइम पे ऐसे पहाड़ से ऐसे होके जाना बहुत रिस्की है, तो हम कफनी नहीं जा रहे फिलहाल के लिए, हम चौमास के टाइम पे पिंडारी ट्रैक कर रहे हैं। अगर पिंडारी भी हो जाते हैं बहुत बड़ी बात है यार। यार सबसे बुरा इसके लिए लग रहा है भाई, ठंडे में यहाँ तक हमारे साथ आया और कांप रहे आ रहे अभी। चलो यार हमारा तो आने का रीज़न था, हमको पता था रास्ते में द्वाली आने वाला है वहाँ रुकेंगे, लेकिन मुझे इसका समझ में नहीं आया यार हमारे साथ क्यों आया। अगर कल हम चलते रहते तो क्या ये भी हमारे साथ चलते रहता, यहाँ आके हमारे साथ रुक गया और आगे भी शायद हमारे ही साथ आएगा यार। कांप रहे हैं भाई ये पूरा कब कब आ रहे हैं।
ठंडा हो रहा है। सुबह के 9:30 बजे काफी देर से उठने के बाद, सुबह का चाय नाश्ता करने के बाद दिन के लगभग 12 बजे हम फुरकिया को रवाना हुए। आज का मौसम फिर से अपने साथ नहीं था। कुछ देर पहले तक बारिश लगी हुई थी, फिर अचानक से बारिश बंद हुई और कोहरे की चादर ने मानो पूरे पहाड़ को ढक दिया। अभी हम द्वाली से निकल ही रहे थे कि अचानक से मेरे कैमरे में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जो ना तो मैंने देखा और ना ही मेरे साथी लोगों की नज़र उस पर पड़ी। जब घर जाके मैं वीडियो एडिट करने बैठा तो मैंने जो देखा वो देखकर गूज़बम्स आ गए यार। इस वीडियो में देखिए यार, अपने ठीक सामने के पहाड़ में जहाँ से होकर हम कल यहाँ पे आए थे, उस जगह पे एक भालू को चलते हुए साफ साफ देखा जा सकते हैं। मेरा कैमरा भी उधर ही था और मेरी निगाहें भी वहीं थी, पर बावजूद इनके ना तो मैंने भालू को देखा और ना ही साथियों की नज़र उस पर पड़ी। अगर आपने चैप्टर 2 देखा हुआ है तो आपको एक सीन जरूर याद होगा। द्वाली पहुंचते टाइम झूला पुल में अपना डॉगी किसी चीज को देखकर बहुत डरा हुआ था और भाग के मेरी तरफ आया, पर उसने ऐसा क्यों किया वो अब समझ में आया। इसी चीज की बात मैंने शुरुआत में की थी गाइस, अगर हमको तब ही भालू दिख जाता तो शायद जिस जोश के साथ हम पिंडारी ग्लेशियर गए वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। भालू की डर से हो सकता था कि अपने में से कोई बंदा आगे बढ़ने से मना कर देता। अगर ऐसा होता तो तब की कहानी कुछ और होती। तो ये अपने लिए एक ऐसा मोमेंट था कि हमको सिचुएशन का पता नहीं था और बेखौफ आगे बढ़ते रहे। ये देखिए, आसमान हल्का सा खुला है लेकिन बारिश का कुछ भरोसा नहीं है यार। पूरा आसमान खुल जाए तो मूड खुश हो जाएगा यार। नीचे है पिंडर नदी और आज हम आए वहाँ से जहाँ पे टूटा हुआ है पूरा, वहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था। वहाँ पे घर भी दिख रहा होगा आपको, द्वाली है वहाँ पे। और यहाँ पिंडर नदी के पैदल चलते हुए झरने देखे भाई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलते बड़े बड़े झरने, और ये सारा पानी पिंडर नदी में आके मिल रहा है। पूरा टूटा हुआ है भाई रेन शेड। बैठ जाओ, बैठने दो। और यार मेरा चप्पल टूटने वाला है तो बड़े ध्यान से चल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर चप्पल टूट गया तो दिक्कतें हो जाएंगी भाई। पिंडारी जाते टाइम बीच में ऐसा जो एरिया आ रहा है, नदी ने काट रखा है दोनों साइड पे, ये रिस्की एरिया है भाई। ऊपर लिखा हुआ था आगे मलबा गिरने का खतरा है, और वहाँ पे मुझे बर्फ़ भी दिखाई दे रही है थोड़ी सी। तो होता क्या है, अगर ऊपर तेज बारिश हुई तो अचानक से पूरा बहाव में आएगा और पूरा बहाते हुए ले जाएगा भाई। तो ऐसे एरियाज में जब भी आप होते हो जल्दी क्रॉस कर लिया करो भाई, बरसात के टाइम पे खासकर। उफान काफ़ी है तो पार करने के लिए एक बढ़िया सा स्पॉट ढूंढ रहे हैं जहाँ से कि आसानी से पार जा सकें। ये कैसे जाएगा यार? ओए ओए, आ यहाँ से, आ इधर आ ऊपर आ। चल हाँ यहाँ से चल सबस। द्वाली से यहाँ तक लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में एक बड़ा सा नाला आया।
जो नाला सूखे मौसम में एकदम गायब सा हो जाता है, भारी बारिश के चलते आजकल उसी नाले में छोटी नदी बराबर पानी था। अपने दो साथी तो पार जा चुके थे, पर मैं डॉगेस के चलते अभी भी पार नहीं गया। हमारे लिए नाला पार करना ज्यादा मुश्किल नहीं था, पर डॉगेस के लिए ये बहाव बहुत ज्यादा था। अपने डॉगी ने कोशिश तो करी, पर नाला पार नहीं कर पाया। यहाँ तक आकर इसको अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो नितेश ने कुत्ते को गोद में उठाया और नाले के पार पहुंचाया। ये बहुत ज्यादा पानी तो नहीं था, पर इस नाले को देखकर मुझे एक खतरे का एहसास हुआ। अगर आगे इससे भी बड़ा कोई नाला आता है तो फिर क्या होगा? पानी का बहाव देखो ना, कहाँ रुके गए इसमें। एक चप्पल कुर्बान हो गया इस वाली गाड़ में। हाँ भाई, यहाँ पे झाड़ियाँ देखो, इतनी बड़ी बड़ी, रास्ता ढका हुआ है। कुछ तो बिच्छू घास टाइप का भी यार हाथों में लग रहा है। और ऊपर देखो भाई, पहाड़ों पे आए कहाँ से, जहाँ वो भूस्खलन दिख रहा है वहाँ से। आज उधर से आए थे भाई, और आज बारिश होनी शुरू हो गई है फिर से। फटाफट चलना पड़ेगा यार यहाँ से, वरना दिक्कत हो जाएगी भाई। रास्ता यहाँ पतला हो चुका है, नीचे तक चौड़ा था, यहाँ बहुत पतला है। अभी आगे देखते हैं यार, जो गंग बीच में आई थी अभी ऐसी गाड़ ना आए, क्योंकि डॉगी क्रॉस नहीं कर पा रहा यार। दिक्कत ये है, आधे से उसको छोड़ नहीं सकते, डर भी लग रहा है इस बेचारे के लिए। चल फुरकिया से 2 किलोमीटर पहले यहाँ पे बना हुआ है कुछ, दरवाजे भी खुले हुए हैं, अंदर कमरा भी है, और ऊपर पहाड़ों में कोहरा देखिए यार। बीच में एक जंगल आ रहा है यहाँ पे, तो उससे पहले तो कोई घर नहीं दिख रहे, तो फुरकिया इस जंगल के पार ही होगा यार। भाई 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लग रहा है यार, ये जंगल पार करते हैं, उसके बाद आएगा फुरकिया। और ऊपर देखे यार, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और उनसे झरने निकल रहे हैं। फिलहाल रास्ता एकदम सीधा सीधे तो अच्छा लग रहा है चलने में, और बारिश रुक चुकी है, बारिश बस थोड़ी देर के लिए आ रही है यार। भाई बारिश आने लगी यार, किस्मत ही ख़राब है साला, और अभी भी फुरकिया नहीं पहुँचे हैं, पता नहीं कहाँ है। लग नहीं रहा, लग तो ऐसा रहा है कि 2 से ज़्यादा चल गए हैं, लेकिन पता नहीं फुरकिया नहीं आ पा रहा यार। अब बारिश आ चुकी है, देखते हैं भाई क्या होता है यार। वाह शानदार वाटरफॉल, फुरकिया आ जा यार। कहीं से आ रहे हैं भाई ऊपर से, इतना चलने के बाद बारिश में अब जाके फाइनली सामने पे कुछ सफेद सफेद हट से दिखाई दे रहे हैं। नितेश भैया ने कोई वीडियो देखी थी तो ये बता रहे कि वही फुरकिया है, चलते नज़दीक। लेकिन फुरकिया दिखा है, रिलैक्स मिला है यार। अभी दिखाते हैं आपको आगे से जहाँ से क्लियर व्यू आते हैं। यही है फुरकिया। फाइनली हम लोग फुरकिया में फाइनली पहुँचे यार, और कल यहीं से आगे पिंडारी के लिए जाना है हमको। हाँ, ठंडा हो रहा है भाई यहाँ, चल रहा हूँ उसके बावजूद भी ठंडा लग रहा है, बल्कि ट्रैकिंग के टाइम पे गर्म लगता है, पसीना है लेकिन ठंडा लग रहा है। ये सारे होटल हैं जो सीजन टाइम पे खुले रहते हैं, लेकिन अभी ऑफ सीजन होने के कारण सारे बंद पड़े हैं।
दिन के 12 बजे द्वाली से चलते हुए शाम के 3:30 बजे हम फुरकिया पहुंचे। फुरकिया पहुंचने के बाद मानो सारी चिंताएं दूर हो गई और यहाँ पहुंच के हम बहुत खुश थे। अपनी मंजिल साफ साफ दिखाई दे रही थी, यानी अब मंजिल तक का सफर मानो एकदम आसान था। पर अपने को ये नहीं पता था कि अभी तक की सबसे कठिन चुनौती ठीक अपने सामने थी। हमने फुरकिया के रेनसेड में कैंप लगाया था और सुकून के साथ पानी की तलाश में निकले थे, पर पानी ढूंढते हुए अपने को एक ऐसी मुश्किल नजर आई जिसको देखने के बाद चेहरे पे मुस्कान तो रही पर पता नहीं अंदर का सुकून कहीं गायब सा हो गया। तो थोड़ी देर यहाँ पे रेनसेड में बैठने के बाद अपना कैंप सेटअप कर लिया हमने यहाँ पे, और आप लोगों ने कुछ सारी वीडियोज देखी होंगी सामने वाली जगह की, इन सारे घरों की, इस झरने की, और एक झरना पीछे वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं पानी ढूंढने। हमको पता नहीं है कहाँ पे, एक यहाँ पे नल लगा हुआ था लेकिन वो बंद है, तो आसपास देखना पड़ेगा भाई। और एक बार आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ से, ये वाला पत्थर देखो भाई, ये तो अल्ट्रा वाइड है, एक बार लीनियर करता हूँ मैं, ये देखो भाई कितना बड़ा पत्थर है यार। अगर ये लुढ़क के आ जाते हैं ना तो आधा फुरकिया साफ कर देगा यहीं पे से। ये देखिए भाई, एक झरना यहाँ से निकल रहा है ऊपर से, क्या ही शानदार जगह है यार। और अगर आए कहाँ से वो आपको दिखाऊं, वहाँ से आ रखे हैं देखिए यार, जहाँ वो लैंडस्लाइड दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे पे एक बड़ा लैंडस्लाइड जोन था और कहीं गहराई में द्वाली था। तो वहाँ से हम लोग लगभग 500 मीटर खड़ा एल्टीट्यूड गेन करते हुए 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर चलते हुए इस जगह पे आए हैं भाई। ठंड है यार इस जगह पे, और जितनी ठंड है उस हिसाब से लग रहा है कि 3000 से 3100 में हो सकते हैं हम इस वक्त। पिंडारी कितने है? 7 पिंडारी 7 है, द्वाली 5, खाती 16 और धाकुड़ी। अच्छा धाकुड़ी से भी आते थे यहाँ पे, 16 धाकुड़ी जहाँ गया था कौन सा खेत, शंकर दादा गया था, जहाँ कौन सा खेत यार, लोहार खेत हो गए। अच्छा धाकुड़ी यहाँ से झंडा बनाया था। हाँ धाकुड़ी मतलब। तो यार हम लोग खाती से 16 किलोमीटर चल के आ गए हैं 2 दिन में, मतलब 8-8 अगर माने तो एवरेज बताएं तो पर डे 8 का एवरेज आ रहा है। 16 किलोमीटर हम खाती से आ गए हैं और द्वाली से 5, पिंडारी देखे यार हम 8 सोच रहे थे लेकिन 7 किलोमीटर है यहाँ से पिंडारी। ये है यहाँ पे गवर्नमेंट के बने हुए कुछ होम स्टेज वगैरह, और इस वाले हट का ताला खुला हुआ लग रहा है, तो अभी जाके देखते हैं, खुला है तो बहुत ही बढ़िया यार। लेकिन उससे पहले पानी ढूंढने जाने हमको, ऊपर भी खुला लग रहा है, देख के आते हैं चलो। हाँ ये है भाई ब्यूटीफुल फुरकिया, और ये है ब्यूटीफुल पिंडारी ट्रैक। खुला है ना? खुला है भाई, कुछ है अंदर? ये खुला हुआ है मतलब यहाँ भी लोग रुक सकते हैं, लेकिन मिट्टी काफी है तो हम वहीं रुकेंगे, अगर इससे अच्छी कोई जगह मिली तब यहाँ आएंगे। अगर हट के अंदर तकते होंगे ना हट, बहुत बढ़िया रहेगा यार फिर। फुरकिया 3210 मीटर भाई, ठंड के हिसाब से मैंने गैस किया था और जितना हम चढ़े थे उस हिसाब से एक्यूरेट नहीं आ पाया, लेकिन ठंड के हिसाब से मैं सोच रहा था 3 से 3100 मीटर में फुरकिया भाई। तो यहाँ से हमको पिंडारी तक ज़्यादा खड़ा नहीं जाना क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर 3600 मैक्सिमम है यार, तो 3600 मीटर यानी 400 मीटर हमको और चढ़ने। यहाँ पे हम पानी ढूंढने के लिए आए हुए थे, लकीली हमको पानी तो मिल गया, जो छोटी वाली धार है यहाँ से पानी भरेंगे क्योंकि ये मटमैला पानी है, ज़्यादा बहाव का है और बड़ी नदी है ये, एकदम छोटी सी है तो एकदम साफ आ रही है, ये दिक्कत तो दूर हो गई। लेकिन यार हम यहाँ पे दूसरा काम ये था कि कल का रास्ता ढूंढने के लिए आए थे भाई, कल कहाँ से हमको जाना है। देखिए ट्रेल वहाँ पे दिख रही है लेकिन बीच में नदी देखिए भाई कितनी ज़्यादा है। चलो एक पल के लिए हम कहीं ना कहीं से इसको क्रॉस कर लेंगे, लेकिन डोगी का क्या यार, जो हमारे साथ डोगी है। हम वहाँ से आए, वहाँ से कल हमको ऐसे ऐसे चढ़ाई में आना है ऊपर ऊपर, एक ट्रेल नीचे भी है यार, यहाँ भी कहीं एक ट्रेल दिखाई पड़ रही है उधर पे, और यहाँ ऐसा हो रखा है भाई, एक ट्रेल वहाँ पे है देखिए गायब हो रखी है। तो अब भाई मेन काम यहाँ पे ये था पानी भरने का, चलो वो तो हो जाएगा, लेकिन कल का रास्ता ढूंढना बहुत ज़रूरी है यार, वो भी ऐसा रास्ता जहाँ से होके डॉगी पार जा पाए। हम वहाँ जाएंगे वो यहाँ रह जाएगा, तो भाई क्या करेगा भाई वो यहाँ इतनी देर। देखिए डोगेस आ गया, वो नीचे पे देखिए, वो खाती विलेज से हमारे साथ आया, हमको नहीं बताता भाई, हमको लगा 2-4 किलोमीटर आते हैं कुत्ते,
लेकिन जितना ही लगता है ये आवारा किसी का छोड़ा हुआ कुत्ता था। यहाँ तक इसने हमारा साथ दिया यार, देखिए आ जा इधर आ भाई। यार ये पार कैसे करेगा ये पता नहीं, देखिए पानी पी रहा है बेचारा यार, पानी पीने का मन था इसको। पार जाने का रास्ता तो ढूंढना ही है यार कैसे भी। यहाँ पे लग रहा है मेरे को यहाँ से डोगे इसको पार कराया जा सकता है, देख के आते हैं एक बार। क्या लगता है भाई कैसे होगी गल ये पार? थोड़ा सा ऊपर चेक करने आए, बहाव देखिए भाई कहाँ से होगी आ रहे नदी पार, हम ये सोच रहे हैं भाई। इस सफर में हम तीन नहीं चार ट्रैकर शामिल थे। फुरकिया पहुंचने के बाद हम खुश तो बहुत थे, पर इस मुसीबत ने अपनी अंदर की खुशी को कहीं गायब सा कर दिया। हम तीन तो कैसे ना कैसे इस नाले को पार कर ही जाते, पर अपना एक साथी था जो खाती से यहाँ तक अपने साथ आया था, जो पिछले दो दिन से अपने साथ था उसको यहाँ कैसे छोड़ जाते यार। कुछ भी करके कल उसको यहाँ से अपने साथ लेके जाना था। इस नदी में पानी इतना ज्यादा था कि जितनी बार नदी को देखता हिम्मत टूट जाती। फिर तो इस नदी से होकर एक डॉगी को पार ले जाना था, ये सोचकर चिंता सी मन में बैठ गई। ये चैलेंज अभी तक इस ट्रैक में आने वाला सबसे बड़ा हर्डल था। क्या करना था, कैसे करना था, कुछ माइंड में नहीं था। जो माइंड में था वो ये था कि कैसे भी करके पिंडारी ग्लेशियर तक जाना था। यार कोशिश हमने अपनी पूरी की, यहाँ से गए थे रास्ता देखने बगल में, हमारा ही पार करना काफी टफ है, वो इतना बहाव है भाई। डर ये है कि पैर वैर फिसल के हम भी ना बह जाए भाई, क्योंकि बहाव काफी है यार। अब वो कल ही पता चलेगा क्या होता है, फिलहाल सूप बनाने की तैयारी है, सूप पीते हैं फिर ये सारी चीजें बात करते हैं। कोहरे से कैसा प्लेन कटा है भाई वो पहाड़ देखिए यार। ये वाला तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए मसाला, मुझे मैगी मसाला, मैगी मसाला, मैगी मसाला, सुदर्शन जी भैया, सुदर्शन जी हमारे पास है लॉन्ग बड़ा लॉन्ग। सुदर्शन दोबारा खोल ले यार एक बार, सुदर्शन दोबारा खोल ले। वैसे सुदर्शन ये जाए भैया भाई, रस्क भी है हमारे पास, बहुत कुछ है भैया हमारे पास, डेयरी मिल्क का डब्बा भी है, सॉरी ये मंच है, गलत से मुंह से निकल गया भैया। कल का चैलेंज मानो इस सफर का आखिरी इम्तिहान था। अगर ये मुसीबत पार हो जाती तो अपने को मंजिल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था। इस चैलेंज के बाद मंजिल मिलने का जो अनुभव रहने वाला था वो मेरे लिए इस साल का सबसे शानदार एक्सपीरियंस होता। पर किस्मत में क्या है ये कोई नहीं जान पाए। जो मुझे मालूम था वो ये था कि भोलेनाथ अपने साथ हैं और अपने पे मुझे पूरा भरोसा था। उस मुसीबत को आंखों से देखने के बाद हम लोगों ने आपस में बहुत देर डिस्कस की, पर हम तीनों के थॉट्स उस चीज को लेके काफी अलग थे। हम में से किसी का कहना था कि कैसे भी करके पार कर लेंगे, तो कोई कहता कल देख लेंगे, और कोई कहता अगर कुछ गलत हो गया तो फिर क्या करेंगे। हम तीनों में से तीनों के विचार जरूर अलग थे, पर तीनों अपनी अपनी जगह एकदम सही थे। कल क्या होने वाला था किसी को पता नहीं था। कल का दिन भोलेनाथ को समर्पित करते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन में कुछ सवाल लिए आज की रात को अलविदा कहा। तो यार उम्मीद है आज का चैप्टर आपको जरूर पसंद आया होगा। आगे क्या हुआ, क्या हम लोग पिंडारी ग्लेशियर पहुंच भी पाए, इन सब सवालों के जवाब लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगा पिंडारी ग्लेशियर के चौथे और आखिरी अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।